तो यार आज की मंडे नाइट रॉ किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी सोनिया डेविल के लिए। सोनिया डेविल रिंग के अंदर होती हैं, तभी एडम पियर्स आते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने WWE ऑफिशियल के पावर्स का मिसयूज़ किया है, इसीलिए उनसे ये जो पावर्स हैं वो वापस ले ली जाती हैं। तो इस तरीके से WWE ने सोनिया डेविल का जो कॉन्ट्रैक्ट था WWE ऑफिशियल का, उसको टर्मिनेट कर दिया है। तो अब एडम पेयर सोनिया डेविल के लिए आज का उनका अपोनेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। और यार उनका जो अपोनेंट था वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्सा ब्लिस होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एलेक्सा ब्लिस ने आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर रिटर्न कर दिया है WWE के अंदर। लास्ट टाइम हमने उनको एलिमिनेशन चैम्बर 2022 में देखा था। अब यार सोनिया डेविल तो इसी सदमे से बाहर नहीं आ रही थी कि अब वो WWE ऑफिशियल नहीं रही हैं, तो एलेक्सा ब्लिस से लड़ना तो बहुत दूर की बात थी। एलेक्सा ब्लिस आती हैं और मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही सोनिया डेविल को हराकर चली जाती हैं। वैसे यार सोनिया डेविल ने जो कार्मेला के साथ किया था, अब कार्मेला के पास मौका है उस चीज का बदला लेने का। तो क्या WWE इस चीज को प्लान कर सकती है? और बात करें एलेक्सा ब्लिस की, तो शायद WWE के पास एलेक्सा ब्लिस के लिए एक परफेक्ट स्टोरी लाइन अब मौजूद है। इसी वजह से एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हुआ है। तो शायद हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एलेक्सा ब्लिस बियंका ब्लेयर के साथ में भिड़ती हुई नज़र आ सकती हैं। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिल जाए।